संत महात्मा धर्माचार्य वर्ग विशेष के लोग मेरा सिर काटने, जीभ काटने, हाथ काटने, नाक काटने, कान काटने पर सुपारी देना शुरू कर दिया। अब मैं उन धर्माचार्यों से कहना चाहता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्या के बोल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार एक के बाद एक विवादित बयान दिए जा रहे हैं। पहले रामचरितमानस पर उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस में आपत्तिजनक अंश है, जिसमें समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को सामाजिक धार्मिक स्तर पर नित्य प्रति अपमानित होना पड़ता है और रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्या के इस बयान के बाद सपा को MLC चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और 5 MLC सीटों में से एक भी नहीं जीत पाई थी। लेकिन एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्या ने विवादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण पर विवादित बयान दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर किए जाने की मांग पर कहा कि यह सब कपोल कल्पना करना और मंगवरी लाल के सपने देखना है। जब कोई भी चुनाव नजदीक आता है तो BJP के लोग इसी तरह बेलगाम होकर अनाप शनाप मांगे करते हैं, झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। लखनऊ गंगा जमुनी तहजीब का केंद्र है, लखनऊ हमारी संस्कृति की विरासत है। उन आक्रमणकारियों से लक्ष्मण का क्या वास्ता? वो कौन सी लड़ाई लड़ने आए थे? लक्ष्मण कहीं फ्रीडम फाइट में कहीं दिखाई पड़े थे क्या? लखनऊ का नाम बदलना है तो पासी समाज की महिला वीरांगनी देवी के नाम पर क्यों नहीं रख देते? लाखन पासी लखनऊ के राजा थे, उनके नाम पर रख दें। नाम बदलना बच्चों के घरौंदे का खेल नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्या ने एक ट्वीट कर कहा कि PM रामचरितमानस की चौपाई के आपत्तिजनक अंशों को हटाएं, जिसमें महिला और शूद्रों को अपमानित किया है। लेकिन जब उनसे BJP में रहते हुए रामचरितमानस पर सवाल उठाने को लेकर सवाल किया गया तो स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि हर चीज का एक अवसर होता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।